रोज एक कहानी, प्रेरणादायक कहानियाँ, बुरी आदत। एक आदमी अपने बेटे की किसी बुरी आदत से बहुत परेशान था। वह जब भी बेटे से आदत छोड़ने को कहता तो एक ही जवाब मिलता, अभी मैं छोड़ता हूँ, धीरे धीरे आदत छोड़ दूंगा। पर वह कभी भी आदत छोड़ने का प्रयास नहीं करता। उन्हीं दिनों एक महात्मा गांव में पधारे हुए थे। जब आदमी को उनकी ख्याति के बारे में पता चला तो वह तुरंत उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या बताने लगा। महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आइए, वहीं मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगले दिन वह व्यक्ति अपने बेटे के साथ बगीचे में पहुँचा। महात्मा जी बेटे से बोले, आइए हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते ही महात्मा जी अचानक रुके और बेटे से कहा, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसा कहते हुए बेटे ने आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। फिर वे आगे बढ़ गए और थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने थोड़े बड़े पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे उखाड़ सकते हो? बेटे को तो मानो इन सब में इतना मजा आ रहा था, वह तुरंत पौधा उखाड़ने में लग गया। इस बार उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। काफ़ी प्रयत्न के बाद उसने इसे भी उखाड़ दिया। फिर आगे बढ़ गए और कुछ देर बाद पुनः महात्मा जी ने गुड़हल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बेटे से इसे उखाड़ने के लिए कहा। बेटे ने पेड़ का तना पकड़ा और उसे जोर जोर से खींचने लगा, पर बिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी पेड़ तस से मस नहीं हुआ तो बेटा बोला, अरे ये तो बहुत मजबूत है, इसे उखाड़ना असंभव है। महात्मा जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा ठीक ऐसा ही बुरी आदतों के साथ होता है। जब वे नई होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, पर वे जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेटा उनकी बात समझ गया और मन ही मन आज से अपनी आदत छोड़ने का निश्चय किया। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।